और ये सुबह सुबह का समय, लोगों की बहुत लंबी लाइन लगी है दर्शन करने के लिए। हम लोग तो अभी उठ ही रहे हैं, 5 बजे उठे हम। अब बहुत ठंडी हवा चल रही है यहाँ, मेरी तो नाक भी बंद हो गई, गला बंद हो गया, पर हाँ थोड़ा चलेंगे तो सही हो जाएगा दोबारा। पैरों में भी दर्द हो रहा है, नीचे भी जाना है। कैसे हो मेरे दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल पे। तो अगर आप इस चैनल पे पहली बार आए हैं तो प्लीज़ मेरी फैमिली बनिए और इस चैनल को सब्सक्राइब करिए, क्योंकि मुझे भी अच्छा लगता है जब जब मैं नई वीडियो डालता हूँ और मेरे कुछ सब्सक्राइबर बढ़ते हैं। तो आप भी मेरी खुशी का एक हिस्सा बन सकते हैं। तो पिछली वीडियो में मैंने आपको दिखाया था किस तरह से हमने देहरादून से केदारनाथ तक का सफ़र तय किया, और अगर अभी तक आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो जाके देखिए, मैं उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। उस वीडियो को देखिए, आपको बहुत मज़ा आएगा सच में। राशि, आज कहाँ जा रहे हैं फिर हम? हम अभी जा रहे हैं भैरवनाथ के मंदिर। तो जैसे कि आपने सुना, आज मैं आपको इस वीडियो में लेके जाने वाला हूँ भैरवनाथ के मंदिर, जो कि केदारनाथ से तकरीबन आधा किलोमीटर दूर है। और आप वीडियो बनाते हो थोड़ा ध्यान दें, क्योंकि आपके साथ ये हो सकता है। मैं आप लोगों को बोलना चाहूँगा, जब भी आप ऐसे जाएँ तो पूरा ध्यान थोड़ा फोकस्ड रखिए रास्ते पे, क्योंकि रास्ता थोड़ा कहीं कहीं पे गड्ढे वगैरह भी हैं, तो पैर में मोच वगैरह ना आ जाए। इसलिए क्योंकि जो यात्रा है इसमें तभी मज़ा है जब खुशी खुशी की जाए, अब दर्द में फिर मज़ा नहीं आता है। इसलिए तो केदारनाथ से ईस्ट डायरेक्शन में जो पहाड़ी है उस पर सिचुएटेड है आपका भैरवनाथ का मंदिर। तो केदारनाथ धाम में केदारनाथ मंदिर के अलावा जो सबसे ज़्यादा पॉपुलर या प्रसिद्ध मंदिर है वो यही भैरवनाथ का मंदिर है। तो मैंने पता किया ये मंदिर किस चीज़ के लिए बनाया गया है यहाँ ऊपर। तो मुझे ये पता चला कि भैरवनाथ दरअसल ये भी शिव जी का एक रूप है। मतलब काल भैरव आपने सुना होगा, शिव जी की जटाओं से जन्मा हुआ शिव जी का एक छोटा सा अंश है। ये वही रूप है शिव जी का जिन्होंने ब्रह्मा जी का घमंड खत्म करने के लिए उनका एक सर काट दिया था। तो अगर आप काल भैरव की मूर्ति देखें तो उसमें एक जो उनका हाथ है उस पर एक आपको सर दिखेगा, वो इसी चीज़ का प्रतीक है वो। तो जब सर्दियों का मौसम होता है पूरी केदार घाटी बर्फ़ से ढक जाती है, तो ये सभी के सभी लोग मानते हैं कि यही काल भैरव जी हैं जो केदार घाटी को सुरक्षित रखते हैं। और काल भैरव जो हैं इनका वाहन माना जाता है श्वान, यानी सभी का फेवरेट, मतलब सभी को पसंद, काफ़ी पसंद होता है, और जो इंसानों का बहुत ही अच्छा दोस्त माना जाता है, सबसे वफादार एक कुत्ता। तो माना जाता है काल भैरव जी इन्हीं की सवारी करते हैं। और ये भैरवनाथ को माना जाता है कि ये क्षेत्रपाल हैं केदार घाटी के, यानी गार्जियन ऑफ दिस वैली। तो ये इस जगह की रक्षा करते हैं और इस जगह को सुरक्षित रखते हैं हर संकट से। तूने कहा था वहाँ तक जाएंगे, वो केदारनाथ तो वहाँ नीचे रह गया, दिख भी नहीं रहा है यहाँ से तो। ओहो, बट हम उसके ऊपर जाएंगे अभी। देखो, काला कौवा विद पीली चोंच वाले कौवे यही होते हैं वैसे। हाँ, चढ़ रहे हैं, देखते हैं। अभी तो जोश है हम में, जोश मतलब कल रात का रेस्ट ले रखा तो सोचा अभी चढ़ के देख लेते हैं। बट अभी सबसे ज़्यादा हालत ख़राब पता है कब होगी? ज़्यादा हालत ख़राब होगी जब हम जाएंगे नीचे, जैसे कल तेरी भी थी ना। तू क्या तुम्हारी भी हुई है? चलो, आज हम में है जोश तो हम चढ़ेंगे ऊपर। आज तो मैं वहाँ तक भी चढ़ जाऊँगा उस पहाड़ के ऊपर तक, पर अभी जाना है 18 किलोमीटर नीचे, 18-19। हाँ, ऐसी मुझे लगता है नहीं आधे रास्ते में दम तोड़ दूंगा मैं कल की तरह। कोशिश करके देखेंगे। और 2013 में इतनी प्रलयकारी बाढ़ में भी भीमशिला का मंदिर के पीछे आना और मंदिर को उस प्रलयकारी बाढ़ से बचाना भी माना जाता है क्षेत्रपाल का ही करिश्मा है। वो बाढ़ भी क्षेत्रपाल ही लाए थे और मंदिर को भी क्षेत्रपाल ने ही बचाया था। और आपने बहुत लोगों को देखा होगा ऐसे ही इतनी ऊंचाई से तस्वीर खिंचाते हुए और नीचे केदारनाथ मंदिर को देखते हुए। तो ये यहीं पे है भैरवनाथ जी के मंदिर के पास। अगर आप वहाँ से ज़रा सा ऊपर जाएंगे तो आपको वहाँ से ऐसा दिखेगा। और ये कुछ वीडियोज़ मैंने ऐसी ही बनाई थी, मैंने सोचा था अपने यूट्यूब पे जब वीडियो अपलोड करूँगा तो कुछ ऐसे शॉर्ट्स भी दिखाऊँगा आपको, जिससे आप देख सके कि यहाँ भैरवनाथ के मंदिर से कितनी ऊँचाई है और कितना सुंदर दृश्य दिखता है। एक चीज़ मैं आप सभी लोगों से शेयर करना चाहूँगा, जब भी मैं कहीं ऐसी जगह गया हूँ, बद्रीनाथ हो, केदारनाथ हो, तुंगनाथ हो या कोई और जगह, मैंने खुद को किसी चीज़ से बहुत करीब पाया है।
एक पॉजिटिव एनर्जी ज़रूर महसूस की है। चाहे आप भगवान पर विश्वास रखें या ना रखें, पर आप किसी चीज़ के करीब तो ज़रूर जाते हैं, चाहे वो इस प्रकृति के कह लीजिए या फिर अपने आप के या फिर भगवान के। पर कुछ चीज़ तो होती है जो आपको इतना अच्छा महसूस कराती है और आपके अंदर एक नई सी ऊर्जा भर देती है। हेलो एवरीवन, तो मैं इतनी ऊपर आया था तो मैंने सोचा आप लोगों को यहाँ ऊपर से सारा व्यू दिखाता हूँ। आप देख सकते हो कितना बढ़िया एकदम अमेजिंग व्यू आ रहा है। पर एक चीज़ मैं आप लोगों को बताना चाहूँगा, 2013 में जो बाढ़ आई थी तो आप उधर की तरफ देख सकते हो वो जो सारा का सारा टूटा हुआ हिस्सा है ना, वही झील थी जो टूटी थी 2013 में। तो देखो कितना ज़्यादा टूटा हुआ है क्या। तो आप इसी चीज़ से लगा सकते हो कि कितना ज़्यादा प्रलयकारी रहा होगा। बस मैं आप लोगों को इतना ही बताना चाहता था। और हमारी ये केदारनाथ की ट्रिप खत्म हो चुकी है, बस अब हमें नीचे जाना है और फिर उसके बाद घर जाना है। काफ़ी ऊपर तक भी आए, सब जगह देख लिया, काफ़ी खुशी हुई। अब आपसे मिलेंगे अगली वीडियो। तो ये देखिए आप लोगों को मैं दिखाना चाहता हूँ पूरा कितना बढ़िया व्यू आ रहा है यहाँ ऊपर से। और केदारनाथ का मंदिर आप देखिए वो रहा इतना नीचे, इतनी ऊपर आके यही फ़ायदा होता है, काफ़ी अच्छे से दिखती है हर चीज़। और देखिए आप खुद देखो कितना ज़्यादा टूटा था उस टाइम पे। अब वो इस अगली बार ऐसा कुछ हो, ज़्यादा हैवी रेनफॉल हो तो उससे बचाने के लिए देखो ये मंदिर के चारों तरफ इन्होंने एक ऐसा वो बना दिया ताकि पानी अगर वहाँ ऊपर से आए ना, वॉल के चारों तरफ से घूम के जाए। वो कॉन्क्रीटाइज कर रहे हैं वो उतने एरिया को, तो ये काफ़ी अच्छा लगा मुझे देख के बस। और यही बताना चाहूँगा आप लोग आए तो आराम से आए, देखो झरना कितना प्यारा, एक वो भी काफ़ी सारे वाटरफॉल हैं यार रस्ते में, मतलब इतने सारे देख लिए अब तो इन्हें देख के कुछ ज़्यादा अच्छा भी नहीं लग रहा, रस्ते में बहुत सारे थे। और देखो अभी लोग आ ही रहे हैं वहाँ नीचे से, सब आ ही रहे हैं, कितना बढ़िया लग रहा है एकदम हरा भरा। बट बुरी चीज़ यही लगी कि इतनी ऊपर आके भी लोगों ने कोल्ड ड्रिंक पी और उसके बाद बॉटल नीचे नहीं ले जा पाए, पता नहीं अपाहिज हो गए थे शायद ऊपर आके, गिर भी रहे थे या हाथ वाथ ख़राब हो गए थे। प्लीज़ इतना ऊपर आते हो तो यार गंदा मत करो, थोड़ा समझा करो इस बात को। और तब तक के लिए बाय, टेक। नीचे आते हुए वैसे ही हमें बहुत लेट हो गई थी और बहुत ज़्यादा थक गए थे, तो इसलिए मैंने नीचे आते हुए ज़्यादा रिकॉर्ड नहीं किया, बस सीधे ऐसे ही रिकॉर्ड किया। साथ ही में नीचे आते हुए लाइट भी नहीं थी तो बहुत ही मुश्किल हो रही थी हमें आने में। तो हम निकले थे कितने बजे, दिन में ढाई दो पंद्रह दो पंद्रह या ढाई ज़्यादा भी नहीं रुके, 20 मिनट टोटल अभी तक की उस कार में 20 मिनट रुके हैं, 20 मिनट ही रुके होंगे, पर फिर भी तभी भी हम अभी तक पहुंच नहीं पाए। 7 बज गया अभी तक पहुंच नहीं पाए, और आप देख सकते हो देखो सब के सब लोग लगे हैं नीचे आ रहे हैं, लाइट भी चली गई है, लाइट है नहीं रस्ते में, और बेकार है बिना लाइट के रास्ता ना, क्योंकि जगह जगह पर गड्ढे से भी हैं। लाइट है बट लाइट चले गई, हाँ लाइट वैसे पर कई जगहों पे बिल्कुल भी लाइट नहीं है, तो गड्ढों में पैर जा रहा है ना तो मुड़ने का डर है। और देखो आप कितने सारे लोग आ रहे हैं, क्योंकि ये सब हमारी तरह बेवकूफ़ है और इन्होंने 2 बजे के बाद उतरना शुरू किया। 2 बजे के बाद तो बेवकूफ़ी है सच में उतरना, इसलिए पिछली बार इससे पहले जब मैं आया था वही बेटर था, हम जल्दी निकल गए थे 11:30 बजे तक, 11:30 पे हम टाइम पर पहुँच गए थे नीचे 4:30-5 बजे तक। चलिए देखते हैं क्या होता है आगे। हाँ पूरे दिन चले और आज भी हम ऊपर चढ़े तो फिर इतनी थकान हो गई कि अब भैरवनाथ मंदिर भी गए, बहुत थकान हो रही है, ऊपर भी गए नीचे अब ऐसी थकान हो रही है ना, पैरों में दर्द हो रहा है। हाँ आप देखते हैं, पर इतनी थकान की वजह से फिर मैं वीडियो भी नहीं बना पाया नीचे आते, मैंने कहा पहुँच ही जाऊँ वही बहुत बड़ी बात होगी, उसके बाद बताऊँगा आप लोगों को क्या हुआ। तो अब आगे का हम कंटिन्यू करते हैं, अब सीधे इसके आगे का अपडेट मैं दूँगा आपको कब पहुँचने के बाद।